दोस्तों बिहार दरोगा भर्ती 2023 को लेकर जो एक अपडेट निकल के आ रही है, आप सभी ने फॉर्म को भरा और फॉर्म भरने में कुछ कैंडिडेट्स का जो है फोटो सिग्नेचर जो है सही से अपलोड नहीं होने के कारण उनका जो है लिस्ट जारी किया गया है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में नाम को ढूंढना है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको जो है समय रहते फोटोग्राफ और सिग्नेचर को सुधार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएसएससी के द्वारा जो है यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो है एक नोटिस निकाला गया है। यहाँ देख सकते हैं 8/11/2023 के डेट में इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन कैंडिडेट्स फोटो एंड सिग्नेचर ऑन एप्लीकेशन रिसिप्ट, यानी जो 1275 पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी बिहार सब इंस्पेक्टर एसआई की, उसमें आप लोगों ने फॉर्म को भरा, उसमें जो कुछ यहाँ पे खामियां पाया गया है। आप जिसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये 61 पेज का है, सोचिए तमाम बच्चों का यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी अपलोड नहीं किया है तथा कुछ अभ्यर्थियों के फोटो तथा हिंदी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी सूची निम्नवत है। यहाँ पे जो है इन्होंने सूची यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फोटोग्राफ को एडिट करना होगा। फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया कि कब से कब तक एडिट होंगे, तो 9/11 से लेकर 14/11/2023 तक जो है आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, बिहार पुलिस टैब पर दिए गए लिंक पर लॉग इन कर विहित गुणवत्ता का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आपको जो है पुनः अपलोड करना होगा। अंतिम अवसर यह रखा गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपको जिम्मेदार मानते हुए बिना किसी सूचना के आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है बिहार पुलिस दरोगा भर्ती को लेकर। अब यहाँ पे 61 पेज का देख सकते हैं ये पीडीएफ है। अब यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको नाम खोजना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी खोज सकते हैं, नाम से भी खोज सकते हैं, आपको जिस तरह से खोजना हो आप खोजिए यहाँ पे कि आपका कहीं इसमें लिस्ट में नाम तो नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप सुधारेंगे। कैसे सुधार करना है यहाँ पे समझिए। देखिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर टू री अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ देखिए आपका आ जाएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इस कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे लॉग इन हो जाएंगे। और उसके बाद से क्या करना है, आपको जो है साफ सुथरा फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है अपलोड कर देना है। हिंदी वाला सिग्नेचर हिंदी वाले जगह पे, अंग्रेजी वाला सिग्नेचर अंग्रेजी वाले जगह पे, और ध्यान रहे हाई क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको जो है दोबारा से अपलोड करना है। अगर साफ सुथरा नहीं दिखाया जाता फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान देनी है और आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है करेक्ट कर लेना है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ही करना है, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उनको नहीं करना। तो यहाँ से आप लिस्ट एक बार जरूर आप चेक करेंगे, इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसको सुधार जरूर कर लेंगे, वरना आप जो है एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे इस अपडेट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।